भले ही हमारे साइंटिस्ट अनक्लोन है, हजारों साल बाद 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज की हो, लेकिन हमारी कुदरत किसी साइंटिस्ट से कम है के? जी हाँ, कुदरत ने जहाँ हमें कुछ ऐसे भी जीव बनाए हैं जो जोर का झटका जोर से ही देते हैं। ऐसी मछली जो सब पे गिराती है बिजली, हाँ जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल की। पर ईल के अलावा 350 ऐसी और स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। ईल 869 वोल्ट्स और 1 एम्पीयर का करंट जनरेट कर सकती है। ये शॉक इकट्ठे इकट्ठे घोड़े को भी अपनी नीज पे ला सकता है और इंसानों को तो जान से मार सकता है। पर आखिर इनमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? टेंशन नॉट, मैं समझाता हूँ। ईल की बॉडी में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्क शेप्ड सेल से भरे होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का स्टेक होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड पर अवेलेबल होता है और नेगेटिव चार्ज इनर साइड पर। ये इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी की एक नॉर्मल स्टेट है जिसमें कोई करंट जनरेट नहीं होता। लेकिन जब भी ईल को खतरा लगता है वो अपने दिमाग की बत्ती चलाती है और सिग्नल छोड़ती है, जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ऑर्गन तक जाती है, और इस सिग्नल से इलेक्ट्रिक चार्जेस का पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी कि स्टेक की एक साइड पॉजिटिव हो जाती है और अदर साइड नेगेटिव, और यही चार्ज का अल्टरनेटिंग पैटर्न इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को एक लिविंग सेल की तरह बना देता है, जिससे टोटल वोल्टेज कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है। अब दिमाग की बत्ती चली गया तो क्या बता पाओगे कि ये करंट ईल का खुद का बाल भी भागा क्यों नहीं कर पाता? नहीं, कोई बात नहीं, आज आपका भाई उस ईल के बच्चे के सारे पत्ते खोल के जाएगा। वैसे तो साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उनका मानना है कि करंट उनकी बॉडी को इतनी स्पीड से लीव करता है कि ईल को वो शॉक फील ही नहीं होता। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ईल के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कोटेड होते हैं एक हैवी प्रोटॉन की लेयर से, जो कि इंसुलेटर्स का काम करती है। अब साइंटिस्ट का तो काम ही है तरह तरह की बातें और थ्योरीज मानना, और हमारा काम है उन सारी बातों को आप तक पहुँचाना। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का?